इसमें जॉन डियर ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन सी पुली सेट करिए, और अगर आपका ट्रैक्टर 45 से 55 एचपी तक है तो उसके अंदर कौन सी पुली लगाए। नमस्कार किसान भाइयों, तो जो चार ब्लेड वाली कटर होती है, फोर पैन हड़म्बा थ्रेसर होती है, उसके अंदर आप गेहूं के अंदर कौन सी पुली लगाए, जो अपना जॉन डियर ट्रैक्टर होता है उस पर हम कौन सी पुली सेट करें, नीचे पुली कौन सी लगाए, ऊपर पुली कौन सी लगाए। किसान भाइयों, मशीन बनाने के लिए आप हमसे संपर्क करिए। फोर पैन कटर हो, टोकरी मॉडल हो, आपको 50 इंची व्हील के अंदर, 45 इंची व्हील के अंदर, 42 इंची व्हील के अंदर आपको मशीनें मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसान भाइयों, तो आज हम आपको बता देते हैं कि इसमें जॉन डियर ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन सी पुली सेट करिए। किसान भाइयों, अगर जॉन डियर आपके 35 से 45 एचपी का ट्रैक्टर है तो उसमें आपको नीचे पुली लगानी है 9 का, ऊपर पुली लगानी है 10 का, 9 और 10 का पुली रखना है आपको गेहूं के अंदर। और अगर आपका ट्रैक्टर 45 से 55 एचपी तक है तो उसके अंदर कौन सी पुली लगाए, तो आप हमारी वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रही तो आप हमारी वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए, उसका भी हम बताएंगे। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जॉन डियर ट्रैक्टर के अंदर 35 से 45 एचपी के अंदर जो पीटीओ पावर होती है वो थोड़ा कम आता है, उसमें फोर ब्लेड के अंदर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो किसान भाई, उसके लिए क्या अपन को, जैसे नीचे 9 इंच का और ऊपर 10 इंच का, इससे क्या होगा कि मशीन का थोड़ा आरपीएम कम होगा, उससे डीजल की खपत भी कम होगी। और आपका ट्रैक्टर भी ज़्यादा लोड नहीं लेगा। और किसान भाइयों, आपको जैसे 55 एचपी के ट्रैक्टर के अंदर क्या करना है, नीचे आपको 11 इंच का पुली लगाना है और ऊपर आपको 10 इंच का पुली लगाना है, जिससे मशीन का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि माल की जो निकासी होती है वो भी ज़्यादा होगी, ट्रैक्टर भी लोड नहीं लेगा, उसकी पीटीओ एचपी थोड़ा ज़्यादा आता है तो लोड नहीं पड़ता है उस पर। चार ब्लेड के अंदर आपको नीचे 11 इंच का, ऊपर 10 इंच का पुली सेट करना है। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपकी जो भी समस्या है वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए।